हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं यहाँ बगिया आया हूँ अपने मामा की, भूरो मामा की बगिया में। ये 180 बीघे में बगिया है इनकी, और अब थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के पेड़ पौधे, और अमरूद के काफ़ी पेड़ हैं यहाँ। ये देखिए आप सामने का व्यू, ये है अमरूद के पेड़। बहुत लंबी लेंथ है इसकी, बहुत दूर तक ये अमरूद के पेड़ हैं। और मैं अभी आगे चलता हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कितना पेड़ है यहाँ अमरूद का। मगर इसकी अभी फसल जो है, इसकी 2-2.5 महीने लगेंगे आने में। ये हमारे मामा किधर चलेगा? अच्छा, उधर सामने हैं, मैं उनके पास ही जा रहा हूँ। क्या देख रहे हैं ये? हाँ मामा, मिली कली है इस वाले पेड़ में है? इसके वहाँ देख रहा हूँ, लौंग देख रहा हूँ। अच्छा, लौंग देख रहा हूँ इस वाले में नहीं है लौंग? है, देखो है? ये है। अच्छा, ये है लौंग। हाँ हाँ, अब आने लगी, अब ये आने लगी तो। हाँ, बहुत सारे पेड़ों में है। चलो अच्छी बात है, ये तो बड़ी मेहनत करना पड़ रही है इसके साथ। इसमें खाद डालना पड़ता है, दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं। अच्छा, खाद डालना पड़ता है, दवाइयाँ लगाना पड़ती हैं इसके साथ, तब जाके मतलब ये है कि अमरूद आता है। हाँ। देखो अब इस टाइम ये आ रहा है, ये सर्दी वाला अमरूद आ रहा है। अच्छा, ये सर्दी वाला अमरूद हाँ। है। हाँ, अब इसके लिए ये दवाइयाँ भी करना पड़ेंगी, फंगस से ना गिरे। अच्छा हाँ, इसमें सुंडी ना लगे कंची में। अच्छा, कंची में सुंडी भी ना लगे। हाँ हाँ, वो दवाइयाँ भी लगाना ज़रूरी होती हैं। हाँ, कीड़ा जो है जल्दी ख़त्म कर देता है ना इसको, कंची को। अच्छा, डाया खाद। हाँ हाँ, तो उतनी ही जल्दी मतलब अमरूद जो है जल्दी इसको बढ़ेगा तेजी से, तो अमरूद भी फल भी मोटा होगा। अच्छा, फल भी मोटा होता है। हाँ, ये जो खाद डाला है देसी खाद भी डाल रखा था, मई में देसी खाद डाला था। अच्छा, मई में देसी खाद डाला था ये को आपने। अब इसकी खुदाई कराएंगे जड़ों पे। ये आ गई है, ये है कली। हाँ, आप देख रहे हैं, देखिए ये, ये है, देखो ये है, इसमें ये है, ये चीज है, ये है कली। इसको लौंग बोलते हैं, लौंग। अच्छा, लौंग। हाँ, लौंग आ रही है। अच्छा, ये है अमरूद की लौंग, और हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको कली। वैसे इस वक्त पानी भी नहीं पड़ा है, खुशक है इस वक्त ज़मीनें यहाँ की। पानी पड़ने के बाद में इसमें बाहर यहाँ अमरूदों के पेड़ों में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। वैसे तो अमरूद के पेड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं नीचे ही। अगर देखा जाए तो आराम से हाथ से अमरूद तोड़ सकता है इंसान। फल नीचे आ जाता है। हाँ, और फल अगर बढ़ता है तो लटकते हैं ये, इनकी डाली लटक जाती हैं काफ़ी। तो अब चलता हूँ मैं आगे, किधर चला गया मामा? अरे भाई, वैसे मौसम इस वक्त ठंडा है, ओवर हो रही है, अब ज़्यादा धूप नहीं है। और मौसम अगर ऐसी रहेगा तो गर्मी भी नहीं लगेगी। हिमा मामा, तो इस टाइम तो बारिश का, बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश पड़ सकती है। हाँ, ये बात भी है, बारिश कभी भी पड़ सकती है। चलते हैं हम आगे, चलिए। वैसे भी भूरा मामा ने इस ज़मीन की जुताई ट्रैक्टर से करा दी गई है, और मुझे जिस वक्त मैं चल रहा हूँ तो मुझे ये डर है कि कहीं मेरे पैर जो हैं इसके ज़मीन की गहराई में को नीचे को नहीं बैठ जाएं।
से तो अमरूद के पेड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं नीचे ही। अगर देखा जाए तो अमरूद तोड़ सकता है इंसान। हाँ, और फल अगर बढ़ता है तो लटकते हैं ये, इनकी डाली लटक जाती है साथ ही। मौसम इस वक्त ठंडा है और हो गया, ज्यादा धूप नहीं है, मौसम अगर ऐसी रहेगा तो गर्मी भी नहीं लगेगी। हिमा मामा, हाँ ये बात भी है, बारिश कभी पड़ सकती है। वाओ क्या नजारा है। अरे वाह मामा, किधर को चला गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा मामा उधर हो क्या? और सारे पेड़ चेक कर लिए? वैसे सब तो नहीं होंगे, खैर जो नज़र आता जा रही है वो चेक हो रही है पेड़। हाँ बारिश पड़ेगी तो फिर उसके बाद में ये सही हो जाएंगे सब, पानी इनको पेड़ों को मिल जाएगा तो अमरूद भी फिर जल्दी बढ़ेगा। जी दाना बन जाएगा, अभी लूंगा। हाँ ये तो दाना बन जाएगा फिर, अभी तो ये सब लोंगी है छोटी छोटी। ये अमरूद बनना शुरू हुआ है, ये छोटा सा देखो अभी आया, हल्के हल्के ऐसे बढ़ते जाएंगे बस। और वैसा हवा भी अब ठंडी ठंडी चलने लगी, मगर थोड़ी धूप हो गई।